नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में। साथ में अगर बात करें छात्रों को खुशखबरी को लेकर जो कि सुप्रीम कोर्ट से है, साथ ही में अगर हम बात करें 69,000 के कॉमन नंबर के मामले को लेकर, अब इस पर भी जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ TGD PGD की आवश्यक सूचना को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अकेडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज, जो कि स्टार्ट हो गई है 12 नवंबर से। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी पर सीटेट की प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करने के लिए। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 2 के लिए फ्री लाइव क्लासेस की सीरीज 14 नवंबर से। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 2 की अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट मैसअप पेडागॉजी सीरीज बाय हिमांशी सिंह। फ्री लाइव क्लासेस आज ही ज्वाइन करें 11 नवंबर से 20 नवंबर तक, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी लेकर आया है ACET 2020 कंप्लीट बैच कोर्स, स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर वैसे तो तमाम मुद्दे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ मुद्दे इतने ज़्यादा खतरनाक हैं, इतने ज़्यादा डेंजरस हैं, जिनकी वजह से अभ्यर्थी को समय समय पर कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आंसर की के मुद्दे को लेकर आप सभी को पता है कि 67 या 867 को एक साथ अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इसी की वजह से आपकी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग गया था, जिसकी वजह से आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया थी वो बीच में स्थगित करनी पड़ी। बाद में 31,000 को नौकरी मिल गई, लेकिन ऐसे में अभी तक आंसर की का जो मामला है वो क्लियर नहीं हुआ है कि इसके जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी गलत है, किस पे कॉमन नंबर मिलना है कि नहीं मिलना है। इसको लेकर डबल बेंच में मामला अभी भी लंबित है। इससे पहले जितनी भी सुनवाइयाँ हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, जहाँ पे आप सभी को पता है कि कॉमन नंबर को लेकर फैसला नहीं हो पाया था। तो एक बार फिर से जो मामला है वो लिस्टेड हो चुका है। हालांकि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मामले को लेकर लिस्टेड करवाने के बाद सुनवाई करवाने का जो प्रयास है वो किया गया था, तो जजेस की तरफ से ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर है वो आया है कि नहीं आया है। तो ऐसे में उसके बाद से जजेस की जो बेंच है वो चेंज हो गई, क्योंकि पंकज जायसवाल सर फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने 60-65 दिया था। तो ऐसे में अभी इसके बारे में आज फिर से सुनवाई होने वाली 17/11/2020 आप सभी देखेंगे कोर्ट नंबर 1 के अंदर। जो मामला है वो लिस्टेड हो चुका, अब क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में आप लोग इंतजार करें। जैसी सुनवाई शुरू होगी सबसे पहले जो जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी आंसर की मामले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर 67 या 867 अभ्यर्थी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से 37 या 339 छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्डर भी है। उसी के बाद इनकी नियुक्ति पर यहाँ पर जो फैसला है वो होगा, लेकिन अभ्यर्थी कहने की डिमोटिवेट है, पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। जब जब उनको ये कहा जाता है कि संभावनाएं उम्मीद हैं तो उनकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो फिलहाल संभावनाएं उम्मीदें इन प्रकार के शब्दों को सुन सुनकर 2 साल से इंतजार करते करते थक चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि यहाँ से ऑर्डर आए। पिछली सुनवाई में जज साहब की तरफ से ये कहा गया था कि आपका जो ऑर्डर है वो अगले हफ्ते सुना दिया जाएगा, लेकिन किस कारण की वजह से ऑर्डर नहीं आया ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसे में 3 हफ्ते और उनको इंतजार करना पड़ा। अब एक नया हफ्ता शुरू हुआ है जिसमें मंगलवार तक आपका जो ऑर्डर है वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपका जो मामला है वो आज लिस्टेड हुआ है कॉजिस्ट के अंदर। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि ललित सर की बेंच के अंदर आपका जो मामला है वो लगा हुआ है, तो इसी बेंच में से 67 या 867 के अभ्यर्थियों के लिए और खासकर 37 या 339 के लिए बड़ी राहत आपको यहाँ से मिल सकती है। हालांकि आपका जो मामला है वो 17वें नंबर पर लगा हुआ है, तो मान के चलिए कि 12 बजे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा सुनवाई का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो भी अपडेट निकलेगी उस समय आप सभी को दे दी जाएगी, लेकिन ऐसे में जो भी अभ्यर्थी सुनवाई को लेकर उनको लगता है कुछ नहीं होगा, मैंने पिछली सुनवाई में भी आप सभी को कहा था कि काफ़ी कुछ आपकी जानकारी मिल सकती है और मिली भी जज साहब
की तरफ से ये भी कहा गया एक हफ्ते में ऑर्डर आएगा, हालांकि नहीं आया, ये एक समस्या का विषय है। तो इसके अंदर भी जानकारी फिर से ली जाएगी और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बहस की जाएगी कि जो हाई मेरिट अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, कम गुणांक वाले चयनित हो गए, 37,339 अभी भी घर पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 31,000 को नौकरी मिली है, तो ऐसे में 37,000 को भी मिलनी चाहिए, वो भी पिछले 2 साल से इस भर्ती के लिए लगे हुए थे। और भी तमाम चीज़ें अभ्यर्थियों के माध्यम से रखी जाएंगी, क्योंकि नई याचिका डालकर 69,000 रुपये जो सुनवाई कराने का प्रयास किया गया है, कंटेंप्ट फाइल की गई है, जिसकी सुनवाई मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि जो नियुक्ति पत्र वाला दिन था 16 तारीख को वो होनी थी, लेकिन डिफेक्ट लग जाने की वजह से नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में आज की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 69,000 शिक्षकों को यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है, जो कि ऑर्डर के बारे में होगी। साथ में 37,339 के जो छात्र नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर भी फैसला देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आप सभी को पता ही है कि जब तक कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक 37,339 को यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, साथ में हाई कोर्ट के अंदर होने वाली, जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पर दिखाया संजय सिंह की याचिका लगी हुई है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। हालांकि मामला थोड़ा नीचे लगा, 88वें नंबर पर, उम्मीद है ऐसी ही कि लंच के बाद, मतलब कि 2 बजे के बाद में इसकी सुनवाई होने की संभावना है। जैसे ही इसकी कोई अपडेट निकलेगी तो आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन आज की तारीख में 3 बड़ी सुनवाइयाँ होने वाली हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुनवाई होगी हाई मेरिट अभ्यर्थियों के बारे में। लखनऊ के अंदर 2 सुनवाइयाँ हैं, एक हाई मेरिट अभ्यर्थी हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसी को फॉलो कर दिया जाएगा। साथ में आंसर की भी सुनवाई होने वाली है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से 37,339 छात्रों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती, क्योंकि आज की सुनवाई के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में, साथ में 37,339 छात्रों की नियुक्ति को लेकर। उम्मीद करेंगे इस बार जज साहब की तरफ से जो जानकारी है वो दी जाएगी बिल्कुल सटीक होगी। हालांकि पिछली बार कहीं ना कहीं जो जानकारी निकली थी उससे अभ्यर्थी को समस्याएं हुई हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर ही विश्वास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पॉजिटिव है, ये उम्मीद रखिए आज सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो भी अपडेट निकलेगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट रीच चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम करें टीजीटी पीजीटी 2020 को लेकर, लगातार अभ्यर्थी इसके बारे में पूछते हुए दिखाई दे रहे थे। रीजन आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2020 के पहले आवेदन रुक गए थे, उसके बाद में आवेदन खोल दिए गए, लेकिन इसके अंदर और भी अभ्यर्थियों के लिए समस्याएं देखने के लिए मिल रही, जो कि जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी हैं। पहले अनुमान ये लगाया गया था कि आवेदन इसलिए बंद किए गए होंगे कि जीव विज्ञान पर फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, आवेदन फिर से शुरू हो गए। अभी तक जीव विज्ञान को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से फैसला आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है। हालांकि मीटिंग के अंदर ये फैसला हो गया था कि आगामी समय के अंदर जीव विज्ञान अभ्यर्थियों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनके आवेदन को लेकर फैसला होना बाकी है। संभावनाएं ऐसी हैं कि इसी हफ्ते आपके बारे में कहीं ना कहीं कोई विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। तो मान गए कि चलिए इस हफ्ते एक बैठक होगी, बैठक के बाद में आपके सामने जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी, जो कि जीव विज्ञान के अभ्यर्थी होंगे। बाकी आप सभी को पता है कंप्यूटर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो चयन बोर्ड की तरफ से आप सभी के जो आवेदन एक बार फिर से स्टार्ट कर दिए गए, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी कल ही दे दी थी। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जीव विज्ञान को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उम्मीदें ऐसी हैं कि इसी हफ्ते आपका जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा चयन बोर्ड की तरफ से। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट निकलेगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट रीच चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।